एवरीवन, वेलकम बैक टू द होमस्टेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बाइक के इन्वेंशन के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आप सभी की कोई ना कोई तो ड्रीम बाइक होगी जिसे आप फ्यूचर में परचेस करना चाहते होंगे। वैसे पर्सनली मैं बाइक में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, लेकिन मेरे डैड को स्पोर्ट्स बाइक में इंटरेस्ट है और काश कि मैं उनके लिए फ्यूचर में स्पोर्ट्स बाइक परचेस कर पाऊँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी अपनी ड्रीम बाइक खरीद पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि बाइक का इन्वेंट कैसे हुआ और बाइक के इन्वेंटर कौन होंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं बाइक के बेहतरीन इन्वेंशन के बारे में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। renderforest.com फ्रेंड्स, पहला इंटरनल कंबिशन पेट्रोल फ्यूल्ड मोटरसाइकिल डेलमेर रेटोगेन था। इसे जर्मन आविष्कार गोटलिब डेलमेर और 1885 में जर्मनी के खराब कंसर्न्स को देखते हुए विलियम माइबेक द्वारा डिजाइन और बनाया गया था। यह मोटरसाइकिल या तो सुरक्षा साइकिल यानी कि सेफ्टी बाइक और बोनेसेकर साइकिलों से अलग था, जिसे स्टेयरिंग का अक्ष कोण और शून्य का कोई ऑस्पेक्ट नहीं था। और इस प्रकार लगभग 70 साल पहले विकसित साइकिल और मोटरसाइकिल को गतिशील के सिद्धांतों का उपयोग नहीं किया गया था। इसके बजाय ये मोड़ते समय सीधे बने रहने के लिए दो आउटगेरिंग पहियों पर निर्भर था। आविष्कारों ने अपना आविष्कार रिट्वेगन यानी कि सवारी कार, जिसे खासतौर पर सवारी कार कहा जाता था, इसे एक वास्तविक प्रोटोटाइप वाहन की बजाय अपने नए इंजिन के लिए एक उपयुक्त टेस्ट बेड के रूप में डिजाइन किया गया था। गाइस, अगर हम बात करें बटलर के पेटेंट वेलो साइकिल की, तो फर्स्ट कॉमर्शियल डिजाइन सेल्फ प्रोपेलेड साइकिल था। फर्स्ट कॉमर्शियल डिजाइन सेल्फ प्रोपेलेड साइकिल थ्री व्हील डिजाइन था, जिसे बटलर पेट्रोल साइकिल कहा जाता था, जिसे 1884 में इंग्लैंड में एडवर्ड बटलर की कल्पना की गई थी। उन्होंने 1884 में लंदन के स्टेनली साइकिल शो में मोटरसाइकिल के लिए अपने प्रोग्राम दिखाया था। मोटरसाइकिल 1888 में ग्रीनविच में मेरिद्वेर फायर इंजन कंपनी द्वारा बनाया गया था। बटलर पेट्रोल साइकिल एक तीन पहिया वाहन था। पीछे की ड्राइविंग व्हील पर एक रेडिएटर लगाया गया था। स्पीड को थ्रोटल वाल्व लीवर के जरिए एक नियंत्रित किया गया था। कोई ब्रेक सिस्टम लगाया गया नहीं था इसमें। एक पैर से चलने वाला लीवर का उपयोग करके पीछे के ड्राइविंग व्हील का बढ़ाकर और कम किया जाता था। मशीन का वजन तब दो छोटे कास्ट पहियों द्वारा पैदा किया जाता था। ड्राइवर है जो बीच में बैठता था, साइकिल के फ्रंट व्हील के बीच में बैठता था। लेकिन ये इतनी सक्सेसफुल नहीं गई बटलर की वेलो साइकिल, क्योंकि उसे फाइनेंशियल हेल्प मिलने में बहुत तकलीफ हुई। कई अधिकारियों ने मोटरसाइकिल की परिभाषा से भाप संचालित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या डीजल संचालित दो पहिया वाहनों को बाहर रखा और दुनिया की पहली मोटरसाइकिल डेलमेर रेटोगेन को श्रेय दिया। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को उपयोगी में तेजी से बढ़ोतरी देखते हुए केवल इंटरनल कंबिशन पावर्ड टू व्हीलर मोटरसाइकिलों को बढ़ोतरी करना प्रॉब्लमेटिक रहेगा। 1894 में हाली ब्रेड और वुल्फ मुलर पहली श्रृंखला उत्पादन मोटरसाइकिल बन गई और पहली मोटरसाइकिल जर्मन मोटोराडो कहे जाने वाला पहला एक्सीलेसियर मोटर कंपनी बनी। मूल रूप से कॉन्ट्री इंग्लैंड में स्थित एक साइकिल निर्माता कंपनी ने 1896 में अपनी पहली मोटरसाइकिल मॉडल का उत्पादन शुरू किया। अगर यूएस की बात करें हम, तो यूएस में पहली उत्पादन मोटरसाइकिल ओरिएंटर एस्टर थी, जिसे चार्ल्स मेटिजन ने 1898 में मैसाचुसेट्स के वाल्थ में अपनी फैक्ट्री में बनाया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रंटलाइन सैनिकों के पास मैसेज को पहुंचाने के लिए और युद्ध प्रयास के लिए मोटर बाइक उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई थी। घोड़ों पर मैसेज भेजने वालों को अब मोटरसाइकिल पर संदेश भेजने लगे और परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज करने और एक सैन्य पुलिस के रूप में कार्य करने पर प्रक्षेपण के साथ प्रस्थापित किया गया। अमरीकी कंपनी हार्ली डेविडसन युद्ध के अंत तक सैन्य अनुबंध की और अपनी फैक्ट्री के उत्पादन का 50% से अधिक समर्पित था।
ब्रिटिश कंपनी ट्रायंफ मोटरसाइकिल ने युद्ध के दौरान संबंधित सेनाओं को अपने 30,000 से अधिक ट्रायंफ टाइप हार्मोडेल बेचे। विशेष रूप से मॉडल एच एक लोगों द्वारा पहली आधुनिक मोटरसाइकिल माना जाता है। 1915 में पेश किया गया था इसे, और इसमें 550 सीसी साइड वाल्व 4 स्ट्रोक इंजन था, जिसमें 3 स्पीड गियरबॉक्स और बोल्ट बेल्ट ट्रांसमिशन था। यह अपने उपयोगकर्ता के साथ इतना लोकप्रिय था कि इसे ट्रस्टी टाइम नाम दिया गया था। 21वीं शताब्दी में मोटरसाइकिल उद्योग का मुख्य रूप से भारत मोटरसाइकिल उद्योग और जापानी मोटरसाइकिल कंपनियों द्वारा प्रभुत्व है। बड़ी क्षमता में मोटरसाइकिलों के अतिरिक्त छोटी क्षमता जैसे कि 300 सीसी से कम मोटरसाइकिलों में एक बड़ा बाजार है, जो ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका देशों में केंद्रित है और चीन और भारत में उत्पादित है। एक जापानी उदाहरण दूं आपको तो 1958 में आई होंडा सुपर क्यूब, जो अप्रैल 2008 में 60 मिलियन यूनिट के उत्पादन के साथ हर समय सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन बन गई, मोटरसाइकिल बन गई। आज इस क्षेत्र पर ज़्यादातर भारतीय कंपनियों का प्रभुत्व है, जिसमें हीरो मोटर को 2 पहियों के दुनिया के सबसे बड़े निर्माता रूप में उभर रहा है। हीरो की स्प्लेंडर मॉडल ने 8.5 मिलियन के साथ अधिकतम मोटरसाइकिल बेची है। बजाज और टीवीएस इसी उत्पादन में सबसे आगे है। मोटरसाइकिल के कुछ फैक्ट्स बताने चाहूँगा आपको। सबसे पुरानी जीवित रूसी निर्मित मोटरसाइकिल रूसिया है, जो 1902 में बनी थी। सबसे पिछली मोटरसाइकिल की राइड का रिकॉर्ड 7 अक्टूबर 2014 में भारत के जबलपुर दीपयान चौधरी द्वारा निर्धारित है किया गया था, जो 202 किलोमीटर तक लंबी चलाई गई थी। 2010 में रॉकी रॉबिन्सन ने यूटा में प्रसिद्ध बोनविला और सॉल्ट फेट पर प्रति घंटे 376 मील प्रति घंटे के अधिक तेज मोटरसाइकिल के लिए विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए एक स्ट्रीमलाइनर के आकार की मोटरसाइकिल का उपयोग किया था। दुनिया की सबसे लंबी मोटरसाइकिल भारत के स्टेट गुजरात में है, जो 2015 में भरतसिंह परमार द्वारा बनाई गई थी, जो 26.29 मीटर लंबी थी। भारतीय सेना सिंगल कोर के डियर डेविल्स टीम ने मोटरसाइकिल पिरामिड हासिल किया है, जिसमें 5 जुलाई 2001 को भारत के जबलपुर गौरी शंकर परेड ग्राउंड में 10 मोटरसाइकिलों पर बैलेंस 201 शोल्डर शामिल थे। पिरामिड 229 मीटर के दूरी तक तय किया गया था। डोज टॉम होक करके निर्मातिक दुनिया की सबसे तेज मोटरसाइकिल है, जो 680 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की स्पीड से चल सकती है। डोज ने 2003 में ये अल्टीमेट सुपर बाइक का अनवील किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस मोटरसाइकिल में से केवल 9 ही बेची गई है। 24 घंटे में मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा चलाने का रिकॉर्ड 3,256.5 किलोमीटर का है, जो 8 अक्टूबर 2014 में 14 को दक्षिण अफ्रीका के वेलकोम में अफ्रीका ऑफिशियल फेवे मैथ्यू मैकलेव्स उर्फ बुसी द्वारा हासिल किया गया है। डोज टॉम होक में 8.3 लीटर V10 SCRT 10 टोमोजिक वाइपर इंजन है, जो 500 सीसी तक अधिकतम ऊर्जा उत्पादन करता है। अन्य सुपर बाइक विपरीत डोज टॉम होक 4 पहियों पे और 2 फ्रंट व्हील पर चलती है। हैरान करने की बात यह है कि टॉम होक सिर्फ 1.5 सेकंड में 0 से 60 मील तक स्पीड पकड़ सकती है। तो दोस्तों बस यही थी आज के इस वीडियो में मोटरसाइकिल के बारे में बात। आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में मुझे बताना कि आपकी सुपर बाइक कौन सी हो और आपकी ड्रीम बाइक कौन सी हो, और आपके पास अगर पैसे तो आप कौन सी बाइक खरीदना चाहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, सेफ रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें और नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।